बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा की इसराइल और हमास जंग के आगाज के बाद से आठवें कैनेडियन की मौत की तस्दीक। आलमी उमूर कनाडा का कहना है कि मौत लबनान में हुई थी, लेकिन उसने मजीद तफसीलात पेश नहीं की। कैनेडियन शहरी रफा क्रॉसिंग के जरिए गजा से रवाना। बॉनी क्रॉम्बी ऑन्टारियो लिबरल पार्टी की नई रहनुमा मुंतखब हो गई। बॉनी क्रॉम्बी का कहना है कि हमने ये बड़ी मजबूत लिबरल टीम बनाई है, हमें इससे भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। कनाडा में पाकिस्तानी नजात खानदान के कातिल को जनवरी में सजा सुनाई जाएगी। सजा मुतासरीन के अहले खाना की दरख्वास्त पर लंदन में सुनाई जाएगी। विल्टिमन को कत्ल और इकदाम कत्ल की दफात के तहत मुजरिम करार दिया गया। न्यूयॉर्क में चार ससुरालियों को कत्ल करने वाला पुलिस की फायरिंग से हलाक। हमला आवर के चाकू के वार से दो पुलिस अहलकार भी जख्मी हुए। हमला आवर इससे कबल घरेलू तशद्दुद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो चुका था। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Global Affairs Canada ne Israel aur Hamas ki jang mein 8th Canadian shahri ki halakat ka elan kiya hai. Mazeed ahwal is report mein. ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने इसराइल और हमास की जंग में आठवें कैनेडियन शहरी की हलाकत का ऐलान किया है। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा का कहना है कि मौत लबनान में हुई थी, लेकिन इतवार की शाम एक अपडेट में मजीद तफसीलात पेश नहीं की गई। लबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के जंगजू 7 अक्टूबर से सरहद पर फायरिंग का तबादला कर रहे हैं, जब हिजबुल्ला के फलस्तीनी इत्तेहादी हमास ने जनूबी इसराइल में एक ज़बरदस्त हमले की क़यादत की। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा का कहना है कि इस हफ्ते के आखिर में गैर मुल्की शहरियों के लिए दोबारा खोले जाने के बाद 130 कैनेडियन मिस्र के साथ सरहद पर वाक़ रफा क्रॉसिंग के जरिए गजा से रवाना हुए। इसराइल में हमास की ज़ेर क़यादत इब्तदाई हमले में कनाडा से गहरे ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स समेत 7 कैनेडियन मारे गए। एक कैनेडियन लापता है, लेकिन ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने उसकी शनाख्त नहीं की। दूसरी जानिब मजीद कैनेडियनों को मिस्र की सरहद पर रफा क्रॉसिंग के जरिए गजा छोड़ने की मंजूरी दी गई है। गजा की जनरल अथॉरिटी फॉर क्रॉसिंग एंड बॉर्डर्स की तरफ से शाया करदा एक नई दस्तावेज में कनाडा उनवान के तहत 165 नाम दिखाए गए हैं। मिसिसागा की साबिक मेयर बॉनी क्रॉम्बी ऑन्टारियो लिबरल पार्टी की नई रहनुमा मुंतखब हो गई। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। बॉनी क्रॉम्बी ऑन्टारियो लिबरल पार्टी की नई रहनुमा मुंतखब हो गई। ऑन्टारियो के लिबरल्स ने बॉनी क्रॉम्बी को मुंतखब किया है, जो 3 बार बड़े शहर की मेयर और साबिक एमपी हैं, जो इस बात पर फख्र करती हैं कि अगले सूबाई इंतखाबात में वजीर आला के साथ सर जोड़कर जाने के लिए उनके अगले रहनुमा के तौर पर वो प्रीमियर डग फोर्ड के मद्दे मुकाबिल होंगी। क्रॉम्बी को सर फहरिस्त काम के लिए वोट दिया गया, क्योंकि मुकन्ना का तीसरा फरीक लगातार 2 इंतखाबी शिकस्तों के बाद दोबारा तामीर करना चाहता है, और उसने कहा कि अभी और 2026 की मुहिम के दरमियान बहुत ज्यादा मेहनत करना है। अपनी फतह की तकरीर में लीडरशिप कन्वेंशन के हजूम से खिताब करते हुए क्रॉम्बी का कहना था कि हमने ये बड़ी मजबूत लिबरल टीम बनाई है और अब मैं इसे आपके सामने तोड़ना नापसंद करती हूँ, लेकिन हमें थोड़ा सा गहराई में जाना होगा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि डग फोर्ड और उसके कदामत पसंद वो अब किसी भी लम्हे हमारे पीछे आएंगे, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। हमें इससे भी ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन एक साथ इस पूरी मुहिम के लिए फोर्ड और उसके साथी हमारी नजरों में मुखालिफ रहे हैं। मिसिसागा ऑन्टारियो के मेयर ने लिबरल एमपी नेट एयरस्काइन स्मिथ, लिबरल एमपी और साबिक सूबाई काबीना के वजीर यासिर नकवी
और साबिक लिबरल एमपी और मौजूदा सूबाई काकस मेंबर टेट्सो को ऑनटेरियो लिबरल लीडरशिप कन्वेंशन में शिकस्त दी जो बेल्ट के 3 राउंड से गुजरी। क्रॉम्बी ने कहा कि वो मिसिसागा और पील रीजन के बजट को देखना चाहती हैं, फिर नए साल के अवाइल में मेयर के अहदे से इस्तीफा देने का इरादा रखती हैं। वो अभी तक इस बारे में गैर फैसला कुन है कि आया वो मुकन्ना में नशस्त हासिल करेंगी या वो सिर्फ वोटर से अपना तारुफ कराने और पार्टी की हिमायत के लिए सूबे का सफर करेंगी। लिबरल्स ने फख्र किया था कि क्यादत की दौड़ में उम्मीदवारों ने रिकॉर्ड तादाद में अराकीन को साइन अप किया जिसमें 1,00,000 से ज्यादा लोग नए लीडर को वोट देने के अहल थे। पिछले 2 मुकाबलों में ये तादाद 44,000 और 38,000 थी, लेकिन उन अरकान में से सिर्फ एक हिस्से ने गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में वोट डाले जिसमें 22,827 अफराद ने वोट डाला। पार्टी ने नोट किया कि टर्नआउट 12,988 ऑन्टेरियो लिबरल से ज्यादा था जिन्होंने 2020 की कयादत की दौड़ में वोट डाले थे और 2013 में 19,438 से ज्यादा थे। मिसिसागा के मेयर की हैसियत से क्रॉम्बी फोर्ड की तब्दीलियों के खुले मुखालिफ रही हैं कि किस तरह म्यूनसिपलिटीज डेवलपर से मखसूस फीसें वसूल करती हैं जो शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड फराहम करने में मदद करती हैं। पोलिंग से पता चलता है कि तमाम लिबरल कयादत के उम्मीदवारों में से पार्टी अगले इंतखाबात में तरक्की पसंद कदामत पसंदों के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए खड़ी है जिसकी कयादत क्रॉम्बी होगी। टूरिस्ट इसे एक अशराफिया के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो टैक्स में इजाफा करेगा, जबकि NDP तजवीज कर रही है कि वो फोर्ड से मिलती जुलती है। क्रॉम्बी की मुहिम को चंद इब्तदाई गलतियों के बावजूद भरपूर हिमायत हासिल हुई। कनाडा के सूबे ओंटारियो के शहर लंदन में जून 2021 में पाकिस्तानी नजाद मुसलमान खानदान के 4 अफराद को अपने पिकअप ट्रक से हमला करके कत्ल करने के मुजरिम नेथेनियल विल्टिमन को आइंदा साल 4 और 5 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे ओंटारियो के शहर लंदन में जून 2021 में पाकिस्तानी नजाद मुसलमान खानदान के 4 अफराद को अपने पिकअप ट्रक से हमला करके कत्ल करने के मुजरिम नेथेनियल विल्टिमन को आइंदा साल 4 और 5 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। इस बात का फैसला विंडसर की एक अदालत ने मुख्तसर समाअत के दौरान किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेथेनियल विल्टिमन जुमे को जुनूब मगरबी सूबे ओंटारियो में वाकिया शहर के जुनूब मगरब में वाकिया हिरासती मरकज से वीडियो लिंक के जरिए विंडसर की अदालत में पेश हुआ। नेथेनियल विल्टिमन को गुज़िश्ता माह एक ज्यूरी की तरफ से 6 जून 2021 को चहलकदमी के लिए निकले हुए अफजल खानदान पर अपने पिकअप ट्रक से हमला करने पर कत्ल और इकदाम कत्ल की दफात के तहत मुजरिम करार दिया गया था। हमले में जाबहक होने वालों में 46 साल सलमान अफजल, उनकी 44 साल अहलिया मदीहा सलमान, उनकी 15 साल बेटी यमना और उसकी 74 साल दादी तलत अफजल शामिल थी। जोड़े का 9 साल बेटा शदीद जख्मी हुआ था लेकिन वो बच गया था। जनवरी 2024 में 2 रोजा सजा की समाअत लंदन की सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रैनी पोमरेंस के सामने होगी। इसी जज ने विंडसर में 11 हफ्ते तक चलने वाले मुकदमे की भी निगरानी की। मुकदमे की समाअत विंडसर में ज्यूरी के सामने हुई जबकि सजा मुतासरीन के अहले खाना की दरख्वास्त पर लंदन में सुनाई जाएगी। सलमान अफजल के खानदान पर हमले की कनाडा भर में मजम्मत की गई। पुलिस ने इस हमले को नफरत अंगेज जुर्म करार दिया और कनाडा में इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए इकदामात का मुतालबा किया गया। मुकदमे की समाअत के दौरान नेथेनियल विल्टिमन ने गवाही दी कि वो 2019 में न्यूजीलैंड की 2 मसाजिद में फायरिंग करके 51 मुसलमान नमाजियों के इज्तिमाई कत्ल का इर्तिकाब करने वाले ब्रेंटन टेरेंट की तहरीर से मुतासिर था। नेथेनियल विल्टिमन ने पहले भी एतराफ़ किया था कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट और मिलिट्री तर्ज का हेलमेट ऑनलाइन मंगवाया था और जिस दिन उसने सलमान अफजल और उनके खानदान को हमले का निशाना बनाया उन्हें पहना था। मुजरिम ने ज्यूरी को बताया था कि मुतासरा खानदान को देख कर उसे मारने की तरकीब महसूस हुई। उसका कहना था कि उसे मुतासिरीन के हुलिये से पता चल गया था कि वो मुसलमान हैं। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस में अपनी ससुराल के 4 अफराद को कत्ल करने वाला चाकू बरदार शख्स पुलिस की फायरिंग में मारा गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस में अपनी ससुराल के 4 अफराद को कत्ल करने वाला चाकू बरदार शख्स पुलिस की फायरिंग में मारा गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क पुलिस ने बताया कि एक बच्ची ने इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके इत्तला दी कि उनका कज़न उनके ख़ानदान पर हमला करके उन्हें कत्ल करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ज़राए के मुताबिक इत्तला मौसूल होने के बाद फौरी तौर पर करीब मौजूद पुलिस अफसरान मौके पर पहुंचे तो हमलावर ने चाकू के वार करके 2 पुलिस अहलकारों को भी जख्मी कर दिया, जिस पर पुलिस ने फायरिंग करके हमलावर को हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमलावर उससे कबल घरेलू तशद्दुद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो चुका था। 38 साल हमलावर अपने ससुरालियों के घर पर हमले में 2 बच्चों समेत 4 अफराद को चाकू के वार करके कत्ल कर चुका था, जबकि हमले में जख्मी 61 साल खातून नाजुक हालत में अस्पताल में जेर इलाज है।
टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।